क्षेत्र के साधन सहकारी समिति देवती में किसानों की गेहूं तौल न होने से किसान परेशान हैं। बुधवार दिन में किसान सुबह 9 बजे से समिति के बाहर बैठे इंतजार करते रहे, लेकिन केंद्र प्रभारी 11:30 बजे तक भी समिति में नहीं पहुंचे। 11:30 बजे दिन तक गेहूं क्रय केंद्र में ताला लटका मिला। खराब मौसम की वजह से तौल के लिए डंप गेहूं के भीगने के डर से किसान परेशान हैं। किसान की पीड़ा सुनने के लिए कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सेंटर पर नहीं पहुंचा। मौके पर मौजूद किसान ने बताया, मौसम खराब है और गेहूं केंद्र के बाहर लगा है। 85 नंबर टोकन वाले बिचौलियों की तौल हो गई, जबकि उनका नंबर 59 है, पर कमीशन के चक्कर में उनके गेहूं की तौल नहीं हो पा रही। केंद्र प्रभारी कभी लेबर कभी बोरी का बहाना बताकर तड़का देते हैं, अधिकारी शिकायत का संज्ञान नहीं ले रहे। क्या समस्याएं हैं? समस्या का यहाँ गेहूँ लेकर के आए हैं, बोरियाँ नहीं है। और कोई समस्या है? और समस्या का धान जो गया था उसका पेमेंट अभी नहीं हुआ, 1 नहीं 10 किसानों का बाकी। यहाँ पे समस्या ये है कि 30 वर्षों से ये बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर पड़ी है और कितने भी अधिकारी कर्मचारी जो भी आए यहाँ कोई इसको ध्यान नहीं देता है। पिछली बार एक बार हादसा भी हुआ है, इसका प्लास्टर गिरा है, लोग चोटिल होते हुए बचे हैं, लेकिन इस पर कोई अधिकारी कर्मचारी कोई ध्यान नहीं देता, सरकार का भी इस पर ध्यान नहीं है। और अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए इस पर, दसों मजदूर जो है इसके अंदर जाते हैं, DAP निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं, गेहूं रखते हैं, कोई हादसा हो जाए तो इसका कौन जिम्मेदार होता है? झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र